अगली खबर का रुख करते हैं। बीएसएफ के जवान तेज बहादुर के बाद सीआरपीएफ के जवान का वीडियो सामने आया है। सीआरपीएफ के कांस्टेबल जीत सिंह ने वीडियो में पीएम मोदी से मदद की बात कही है। वीडियो में जीत सिंह ने कहा है कि सेना को हर तरह की सुविधा मिलती है, लेकिन सीआरपीएफ के जवान को कोई सुविधा नहीं मिलती है और उन्हें कैंटीन, मेडिकल जैसी सुविधाएं से भी वंचित रखा जाता है। जीत सिंह का कहना है कि सीआरपीएफ के जवानों के साथ भेदभाव खत्म होना चाहिए। आपको बता दें कि जी मीडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है और ये वीडियो 2 महीने पहले इंटरनेट पर अपलोड किया गया था। दोस्तों, मैं कांस्टेबल जीत सिंह सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जवान हूं। आर्मी को पेंशन भी है, हम लोगों की पेंशन थी वो भी बंद हो गई। 20 साल बाद हम नौकरी छोड़कर जाएंगे तो क्या करेंगे? एक्स सर्विसमैन का कोटा भी हमको नहीं, कैंटीन की सुविधा हमको नहीं, मेडिकल की फैसिलिटी हमको नहीं। ड्यूटी सबसे ज्यादा हमारी। आर्मी को जितनी फैसिलिटी मिलती है हमें उससे कोई ऐतराज नहीं, मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे साथ इतनी भेदभाव क्यों? हमको भी तो मिलनी चाहिए। और अब आपको 2 तस्वीर दिखाते हैं। कुछ दिन पहले बीएसएफ के जवान तेज बहादुर ने खाने को लेकर शिकायत की थी, जिस पर गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट भी मांगी है। दूसरा वीडियो सीआरपीएफ के कांस्टेबल जीत सिंह का है। मथुरा के रहने वाले जीत सिंह 2012 में सीआरपीएफ से जुड़े और ये वीडियो करीब 2 महीने पहले का है। आपको बता दें कि जी मीडिया इन वीडियो की सच्चाई पर किसी भी तरह की पुष्टि नहीं करता है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर तेज बहादुर यादव की है, जो कुछ दिन पहले ही वीडियो पोस्ट इन्होंने सोशल मीडिया पर किया है। कैंटीन में किस तरीके का खाना सीआरपीएफ के जवानों को दिया जाता है, इसको लेकर के ये वीडियो था। वहीं दूसरी ओर सीआरपीएफ के ये जवान का तकरीबन 2 महीने पहले का वीडियो है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है काफी। इसमें सीआरपीएफ के जवानों को जो सुविधाएं नहीं मिलती हैं आर्मी के जवानों के मुकाबले, इसकी चर्चा, इसका जिक्र किया है जीत सिंह ने।